मथुरा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इसी बीच स्थानीय लोगों की सतर्कता दिखाते हुए एक बदमाशों को दबोच लिया और उसके दो साथी मौके से फरार हो गए। लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। घटना मथुरा थाना छाता के चौमुहा की है, जहां बड़ौता मार्ग पर लगने वाले सिंडिकेट बैंक में 55 वर्षीय विजेंद्र अग्रवाल पैसे जमा करवाने जा रहा था। तभी इतने में तीन बाइक सवार बदमाशों ने पैसों से भरा बैग छीन लिया। जब विजेंद्र ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसके पेट में चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया और फायर करते हुए वहां से भाग निकला। वहीं पास खड़े गांव के कुछ बहादुर युवकों ने भागते बदमाशों में से एक को पकड़ लिया, जिसे सूचना पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया गया। कस्बे में दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से सनसनी फैल गई। घायल विजेंद्र को इलाज के लिए मथुरा हॉस्पिटल में भेज दिया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि बदमाशों को कब तक पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। मेरा नाम पप्पू है जी। अभी अभी यहाँ जो घटना हुई थी, क्या घटना हुई? अभी अभी घटना हुई थी जी, जो पैसा होगा था जो हमारे यहाँ बनी है, वो यहाँ पर जो खड़ा था और तीन जने मोटरसाइकिल पर आए और उसको पकड़ लिया। पकड़ लिया हुआ कि गया नहीं लगा, हम समझ रहे थे वो मजाक कर रहे हैं उससे। जब उनने कहा उन्हें पकड़ो पकड़ो लूटो लूटो गोली मारो, तो उससे बैग छोड़ा लिया साहब। बैग छोड़ा कर झटे मोटरसाइकिल भगने लगे, तो हम लोगों को पता पड़ा, हम लोगों ने हल्ला करा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो उनने गोली चला दी साहब। फिर एक कुर्सी मारी फेंक कर गए लटके ने और मोटरसाइकिल गिर गई है, उनका एक तमंचा गिर गया, वो तीनों भाग गए। चाकू वाकू मारा है? हाँ चाकू मारा है एक बंदे में, जिसको लूटा है उसी में चाकू मारा है। उसको जो है हॉस्पिटल में डॉक्टर के यहाँ दवाई पहुँच, उसका नाम राजेंद्र है शायद, विजेंद्र है उसका नाम, विजेंद्र बनिया है। तो एक बदमाश को पकड़ लिया आप? जी एक बदमाश को पकड़ लिया चौमा में जी। पुलिस के सपोर्ट कर दिया? हाँ पुलिस के सपोर्ट कर दिया साहब, उसको थोड़ा बहुत मारा होगा जिसने पकड़ा, बच्चे ने पकड़ के बंद कर दिया, दो हाथ नहीं आए पर अब हाथ आ जाएंगे। दो भाग गए। ये 4:30 बजे करीब की बात है, जो जानकारी मिली थी कि विजेंद्र कुमार हैं जो करीब उम्र 55 साल हैं, वो सिंडिकेट बैंक के लिए कलेक्शन का काम करते हैं, जो चौमा बाज़ार से पैसा कलेक्ट करके ला रहे थे। उनसे मेरी बात भी हुई थी, करीब 50 से 60 हज़ार उनके जो थैले में थे। तभी उन्होंने बताया कि तीन बाइक सवार आए और उनमें से एक ने हवाई फायर किया, जिससे वो डर गए और उनसे उन्होंने थैला छीन लिया। उसके बाद उनमें से एक ने उनके ऊपर चाकू फेंक के मारा, जो उनके पेट में ऊपर की तरफ लगा है। उनमें से एक आदमी को वहीं पे जो पुलिस है और जो लोग थे उनकी मदद से पकड़ भी लिया गया है। वो उसका नाम अंशु है, जो कि कानपुर का रहने वाला है। मौके से जो बाइक यूज़ की गई थी उनके द्वारा वो चाकू और तमंचा भी बरामद किया गया है। बाकी जो अन्य दो लोग हैं उनकी कॉम्बिंग अभी जारी है और वो खेतों में कहीं छुपे हुए हैं, जिन्हें भी जल्दी ही पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और जो विजेंद्र जी हैं उनको सिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहाँ डॉक्टर से बात हुई, वो आउट ऑफ डेंजर हैं और स्वस्थ हैं और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।